दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी अदाकारा सदाकारा मॉडल होने के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फनकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले 40 साल से शोबिज इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और 36 से ज्यादा ड्रामा सीरियल में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुबीना अशरफ की। सोए हैं जी, बहुत दिनों बाद 12 बजे घर आए हैं। बीबी तबीयत ठीक नहीं थी, सख्त सो रहे हैं। मैं तो समझी तुम बाबा से नाराज होगी। वो तो मैं हूँ। और मेहरू ने खाना नहीं खाया तो क्या हुआ? सालगिरह तो बहुत धूमधाम से हो गई। आपको मालूम है कि सब कल रात नादिया को कत्ल कर दिया गया है। अदाकारा सदाकारा प्रोड्यूसर मॉडल रुबीना अशरफ 9 नवंबर 1959 को लाहौर में पैदा हुई हैं। आपकी अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन कर रखी है और इस तरह आपका शुमार पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अदाकाराओं में होता है। अगर आपकी फैमिली की बात करें तो आपकी एक बेटी मीना तारक है जो खुद भी अदाकारी करती है और आपके शोहर का नाम तारिक मिर्जा है। अब बात करते हैं कि रुबीना अशरफ शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बनी। जब वो एजुकेशन हासिल कर रही थी यूईटी लाहौर यूनिवर्सिटी से, तो उस वक्त अपने जमाने तालिबे इल्मी में एक दफा वो पाकिस्तान टेलीविजन पर किसी ड्रामा की शूटिंग देखने के लिए स्टूडियो में तशरीफ लाई। जब वो स्टूडियो में ड्रामा की शूटिंग देख रही थी तो वहाँ पर मौजूद अदाकारा सदाकारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर सहरा काजमी की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने रुबीना अशरफ को एक छोटा सा रोल अदा करने के लिए कह दिया। रुबीना अशरफ ने सारा काजमी के उस ड्रामा में छोटा सा रोल अदा करने के लिए हाँ कर दी और इस तरह वो शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई। आपने जिस ड्रामे में अपने कैरियर का आगाज किया था उस ड्रामे का नाम भी था और ड्रामे, और आपके पहले ड्रामा में बहुत बड़ी कास्ट शामिल थी जिसमें औरंगजेब लगारी, खुर्शीद शाहद और मरहूमा ताहरा नकवी भी उस ड्रामा में मौजूद थी। अलबत्ता आपको पाकिस्तान के अंदर मुलगीर जो शोहरत हासिल हुई और सही जो पहचान मिली उस ड्रामा का नाम था सावन रूप। उस ड्रामा में आपके साथ को स्टार थी सहरा काजमी। उसके बाद शोबिज इंडस्ट्री में आप एक अपना नाम बनाने में कामयाब हो गईं और आपने पाकिस्तान टेलीविजन से एक से बढ़कर एक ड्रामा अपने देखने वालों को दिया और बड़ी बड़ी कास्ट के साथ बनने वाले ड्रामों में काम किया, जिनमें चंद काबिले जिक्र आपके ड्रामों के नाम कुछ इस तरह है: पसे आईना, इश्क की इंतहा, यारियां, एन जफर, मोड़ उस गली का, तुम्हें कुछ याद है जाना, मासूम, हजारों रास्ते, हिसारे इश्क, कसक, दो बोल और ड्रामा हथेली वगैरह शामिल हैं। दोस्तों ड्रामों में एक्टिंग के अलावा आपने 2016 में बनने वाली फिल्म लाहौर से आगे में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। फिल्म लाहौर से आगे की मेन कास्ट में सबा कमर, अब्दुल्ला कादवानी, फरतुल्ला और बेहरो सब्जवारी वगैरह शामिल थे। ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी के अलावा आपने शोभा डायरेक्शन में भी कदम रखा और सबसे पहले आपने 2019 में बनने वाला मशहूर ड्रामा सुरख चांदनी को डायरेक्ट किया। ड्रामा चांदनी को आपकी बहन नायला अंसारी ने लिखा था। इसके अलावा आपने रसवाई, वानी, शिकवा, तेरे सिवा, तराजू ड्रामों की डायरेक्शन दी। अगर हम बात करें उनके अवार्ड्स की तो इंडस ड्रामा अवार्ड 2005 में कैटेगरी बेस्ट एक्ट्रेस उन्हें लीडिंग रोल के लिए मिला था। इस अवार्ड के अलावा आप लक्स स्टाइल अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर भी हासिल कर चुकी हैं। बात करते हैं आपकी इस अज़्वाजी जिंदगी की। आपकी शादी जनाब तारिक मिर्जा से हुई है और अगर आपकी औलाद की बात करें तो आपकी एक बेटी है और आपका एक बेटा है। आपकी बेटी का नाम मीना तारिक है और वो कई एक ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। दोस्तों ये थी आपकी और हमारी पसंदीदा अदाकारा रुबीना अशरफ की जिंदगी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप भी हमें अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जबकि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आखिर पर कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अहमदाबाद में इलेक्शन होने के चांसेस हैं, इलेक्शन में उस शख्स को ही वोट दीजिए जो इस मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा रखता हो। थैंक यू सो मच।